अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। डियर व्यूअर्स, मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे पास जितना कॉन्सेप्ट है, मेरे पास जितनी नॉलेज है, ठीक है, वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आज एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा। इम्यून सिस्टम, ठीक है। थ्रोम्बो कहते हैं प्लेटलेट्स को, साइटोपिनिया मतलब कमी को कहते हैं, परप्यूरा मतलब हमारे जो स्किन है उसके ऊपर क्या बन जाती है, रेड कलर के डॉट बन जाते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो, सबसे पहले हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की हम डिफिनीशन करते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है वो हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, ब्लड में प्लेटलेट्स की जो है वो कमी हो जाती है, ठीक है। व्हेन द प्लेटलेट्स डिक्रीज बिलो द नॉर्मल लेवल द कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। आई बात समझ में? अभी हम इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा की हम डिफिनेशन देखते हैं। यह जो है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो एंटीबॉडीज की ज्यादा प्रोडक्शन होती है। हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करता है। वो एंटीबॉडीज हमारे अपने ही एंटीबॉडीज क्या करती हैं, प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन करती हैं, ठीक है, बाय मिस्टेक एंड डिस्ट्रॉय इट दैट लीड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, ठीक है। आई बात समझ में? डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ इटोलॉजी की अगर हम बात करें, इसकी काजेस क्या हो सकती हैं, सर्टेन मेडिकेशंस हैं, ठीक है, ओटीसी ड्रग्स हैं, ठीक है, एनी इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। उसके साथ साथ इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, लाइक रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ठीक है, फेवर है, इटीसी, ये भी क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, ठीक है, इनकी वजह से भी क्या हो सकती है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा कास हो सकती है। लो ग्रेड लेम्फोमा एंड ल्यूकेमिया, ठीक है, लिम्फेटिक कैंसर या ब्लड कैंसर की वजह से भी क्या हो सकती है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा कास हो सकती है। इसके बाद अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स वुड बी रिलेटेड टू प्लेटलेट्स डिफिशेंसी, ठीक है, ब्रशिंग और ब्रशिस परप्यूरा फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ब्रशिस अकर कॉज बाय ब्लीडिंग अंडर द स्किन विदाउट अननोन reasons, they can appear at elbow and knee joint just from movement. यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, tiny red dots बन जाते हैं, ठीक है, under the skin that are due to very small bleeds. Nose bleeding होती है, bleeding in mouth or on around gums, ठीक है, vomiting के साथ साथ blood भी आ रहा होता है, ठीक है, urine में और stool में। इसके बाद अगर हम डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें, ठीक है, हमारा जो फोकस है वो डायग्नोसिस के ऊपर होना चाहिए, एज अ टेक्नीशियन, एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हम साइन एंड सिम्टम की बेस पे हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद जो है वो हम कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड पिक्चर करते हैं, ठीक है, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, आरबीसी कौन, डब्ल्यूबीसी कौन, तो ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। बट डिक्रीज प्लेटलेट कौन, ठीक है, इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा में। उसके बाद अगर सीबीसी की जो है वो रिपोर्ट एबनॉर्मल आ जाए तो हम क्या करते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करते हैं, ठीक है, इट चेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स पर्टिकुलरली प्लेटलेट्स टू डिटेक्ट आईटीपी, ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करते हैं, ठीक है, टू मेजर ब्लीडिंग टाइम एंड फाइंड पॉसिबल इन्फेक्शन।
उसके बाद हम एबडोमिनल यूएसजी करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है वो स्प्लिनोमेगली को डिटेक्ट करते हैं। क्यों स्प्लिनोमेगली को क्यों डिटेक्ट करते हैं? क्योंकि जो प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? स्प्लीन में हो रही है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल यूएसजी करते हैं, इसमें हम स्प्लिनोमेगली को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हम अगर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैनेजमेंट के दो कॉमन फॉर्म्स हैं, ठीक है, इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले जो वो स्टेरॉइड थेरेपी है, ठीक है, दूसरे नंबर पे इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है, IVIG। आई बात समझ में? मैनेजमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए दो चीजें हैं, ठीक है, स्टेरॉइड थेरेपी है और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, ठीक है। ये दो ट्रीटमेंट है जिसकी इनकी मदद से इमीडिएटली हम इसका ट्रीटमेंट जो वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टेरॉइड देखते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड थेरेपी में जो है वो ये इसकी मदद से, ये जो स्टेरॉइड थेरेपी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कर रहा था, वो प्रोडक्शन एंटीबॉडीज की जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो उसको स्लो डाउन करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन भी क्या होगी, स्लो डाउन होगी, ठीक है। स्टेरॉइड हेल्प इन प्रिवेंट द ब्लीडिंग बाय स्लोइंग डाउन प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम, ठीक है। दे कैन लीड टू हायर प्लेटलेट काउंट इन 2 to 3 वीक्स के अंदर जो वो हाई प्लेटलेट्स कौन हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, 2 to 3 वीक्स में। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? स्टमक इरिटेशन है, ठीक है, वेट गेन है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। दूसरे नंबर पे विवर्स इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन है। इम्यूनोग्लोबिन जो है वो इज मेड अप ऑफ बाय एंटीबॉडीज डेट रिमूव फ्रॉम डोनर ब्लड्स, ठीक है, आर्टिफिशियल जो वो एंटीबॉडीज लेते हैं फ्रॉम डोनर ब्लड से, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्लेटलेट काउंट्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।